वेलकम टू ऑल इन आर मैथमेटिक्स क्लास। हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अ रियल नंबर ए इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ x if p of a is equal to 0। क्या होगा if p of a is equal to 0? zero of the polynomial क्या होता है? एक ऐसी value of जिसको हम polynomial में put कर रहे हैं तो वो value पूरी की पूरी क्या है, वो 0 बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स माइनस 4x² प्लस 3 ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमारे पास लेट करते हैं हम पी ऑफ एक्स क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो पहले पी ऑफ 0 पुट करेंगे। पी ऑफ 0 मतलब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हमने 0 पुट कर देना है। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और 3 का 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 और 0 कट, तो हमारे पास क्या आ गया 3, यानी कि p ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 3। अब पुट करो p ऑफ -1, तो जहां जहां पे अब x है वहां वहां पे -1 पुट करेंगे। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 इज -5, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 इज माइनस 4 प्लस 3। तो माइनस 5 प्लस माइनस 4 कितने हो गए, माइनस 9, माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6 इज योर आंसर। तो पी ऑफ 2 जो है आप खुद निकाल के मेरे को बताओगे। अब क्या है, p ऑफ y हमें दिया हुआ है y square minus y plus 1। आपने p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। इसी टर्म का p ऑफ 0 निकालेंगे, यानी कि जहां जहां पे y है वहां वहां पे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो क्या आ गया यहाँ पे, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज 1। अब क्या पुट करना है हम इसी टर्म में, p ऑफ 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1, एक माइनस 1 और एक प्लस 1 कट, प्लस 1 इज योर आंसर। अब क्या बोला इन्होंने, p ऑफ 2 भी निकालो, जहां जहां पे y वहां पे आप 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। तो क्या आया हमारा 3। अब p ऑफ y क्या दिया हुआ है, 2 प्लस टी माइनस प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस टर्म का भी हमने p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। क्या आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 0 आएगा, 0 का क्यूब 0। तो आंसर क्या है हमारा आया 2। p ऑफ 1 निकालो, क्या आया हमारा, जहां जहां पे t है वहां पे 1 पुट कर देना है। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, इनको सॉल्व करने पे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 और प्लस 1 कट, 2 प्लस 2 इज 4 योर आंसर। अब आप निकालोगे p ऑफ 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो 2 प्लस 2, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, एक प्लस का 8 है एक माइनस का 8 है, तो कट कर देते हैं इनको। 2 प्लस 2 इज योर 4। थर्ड पार्ट क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है। इसका भी आप p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालोगे, ये आपका होमवर्क है। p ऑफ x दिया हुआ फोर्थ पार्ट, x माइनस 1, x प्लस 1, इसका भी p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालो।
नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. हमें पी ऑफ एक्स दिया होगा और वैल्यू पुट करके देखनी है. हमने क्या बोला था, जीरो क्या होगा अगर हम इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे, टर्म जीरो बन गई तो जो ये टर्म दी हुई है इन्होंने हमें तो ये जीरो है, अदरवाइज ये टर्म जीरो नहीं है. चलो पुट करके देखते हैं. पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x+1. तो क्या पुट करने के लिए बोला, एक्स इज इक्वल टू -1/3, यानी कि पी ऑफ -1/3 क्या होगा, 3 × -1/3+1. 3 और 3 कट, तो -1 + 1 क्या आ गया, 0. तो वैल्यू पुट की हमने, 0 हो गया. इट मीन्स कि पी ऑफ -1/3 जो है वो इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है. पी ऑफ एक्स क्या दिया, एफ एक्स माइनस पाई. अब हमें क्या चेक करना है, 4/5 जो है इस पी ऑफ एक्स का 0 है भी है कि नहीं. तो पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, फाइव एक्स माइनस पाई, एक्स की जगह 4/5 पुट कर दो, तो 5 और 5 कट, 4 - 5 बना. ये तो इक्वल टू 0 नहीं आया, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. P of x क्या दिया, x²-1. इन्हें दो टर्म बोली है पुट करके देखने, एक 1 और एक -1, दोनों पुट करके देखते हैं. तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 - 1, 1 और 1 कट, तो 0 आ गया, यानी कि P of 1 पुट करने पे 0 आया, इसका मतलब 1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. अब हम -1 पुट करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो -1 का स्क्वायर अगेन +1 होता है, तो ये -1 और +1 कट, ये भी 0 आ गया, इसका मतलब है -1 इज ऑल्सो द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x+1 और x-2, इसमें भी टू टर्म्स बोली है -1 और 2 पुट करने के लिए. पहले मैं -1 पुट करती हूँ, -1 + 1, तो ये तो यहाँ पे कट हो गए, -1 और +1 0 हो गया. 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, यानी कि -1 जो है वो 0 है गिवन पॉलिनोमियल का. 2 पुट करके देखते हैं, 2 + 1 और 2 - 2, 2 - 2 0 हो गया, 3 को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, यानी कि 2 भी जो है वो 0 है इस गिवन पॉलीनोमियल का. नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर. इसमें क्या पुट करके देखना है, हमने एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स 0 का स्क्वायर इज 0, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. जब हम टर्म पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, अगर वो 0 आंसर उसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब है वो 0 है. अगर जो 0 नहीं आती, इसका मतलब है जो टर्म इन्होंने पूछी है पुट करके देखने के लिए वो 0 नहीं है. P of x क्या दिया हुआ है, Lx+m, x इज इक्वल टू -m/l पुट करने के लिए बोला हुआ है. एल और एल कैंसल, तो बचा क्या, -m+m, तो -m और +m भी कट रहे हैं, तो ये क्या, सॉरी, ये क्या आ गया हमारा 0. तो यानी कि P इक्वल टू -m/l इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -m/l इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्या है, 3x²-1, एक्स इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3 पुट करके देखो इनमें से क्या कोई 0 है. पहले हम -1/√3 पुट करते हैं, 3 × -1/√3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, तो -1 का -1, 3 और 3 कट, तो आ गया 1 - 1, 1 - 1 इज 0, यानी कि -1/√3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. अब 2/√3 पुट करके देखते हैं, 3 × 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 कैंसिल, बच गया 4 - 1, 4 - 1 इज 3, यानी कि 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. क्यों नहीं है गिवन पॉलीनोमियल, क्योंकि जो ये हमारा आंसर है यहाँ पे 0 नहीं आया. एट पार्ट, P of x जो है 2x+1 है, इसमें 1/2 पुट करके देखो, मैंने पुट किया, आप दोबारा से खुद करोगे सारे के सारे, 2 और 2 कट हो गया, 1 + 1 आ रहा है जो 2 होता है, therefore x is equal to 1/2 is not the 0 of given polynomial.
जो पहला थर्ड क्वेश्चन था उसमें तो बोला था बताओ क्या जीरो है कि नहीं है। अब इन्होंने बोला हुआ है पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरो निकालो। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स है एक्स प्लस टू, तो हमें इसके जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को लेट करना पड़ता है इक्वल टू जीरो के। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करो तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब है अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाय टू इस पी ऑफ एक्स में पुट करती हूँ तो जीरो बन जाएगा। देखो करके क्या है हमारे पास पी ऑफ एक्स, एक्स क्या है माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव, तो माइनस फाइव और प्लस फाइव कट तो आ गया ना जीरो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है पी ऑफ एक्स क्या दिया, एक्स माइनस फाइव इसको भी लेट करो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस फाइव, यानी कि एक्स इज इक्वल टू फाइव इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है टू एक्स प्लस फाइव, p of x is equal to 0, 2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 by 2, यानी कि minus 5 by 2 जो है इस given polynomial का 0 है। इसका मतलब minus 5 p of x क्या दिया हुआ 3x minus 2, p of x is equal to 0 put करेंगे हम, 3x is equal to 2 हो गया, x is equal to 2 by 3, यानी कि x is equal to 2 by 3 is a 0 of given polynomial। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक्स पे कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।